Hey everyone, welcome back to the last part of this playlist. और इस part का आपको भी इंतज़ार होगा और मुझे भी, क्योंकि इस part के अंदर जो हम आज कवर करने लगे हैं वो है जी रिस्पॉन्सिव के, इस जो अब बना तो लिया है, अब इसको रिस्पॉन्सिव किस तरह किया जाए ताकि ये दूसरे डिवाइसेस पे अच्छे से शो हो सके. तो वो आज की इस वीडियो के अंदर देखें किस तरह हम विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज हम ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कर लेंगे, ताकि कोई बंदा भी या कोई यूज़र अगर मोबाइल पे आता है और किस तरह से वो चीज़ उसको शो होगी, तो इसी का नाम है कि हमारा रिस्पॉन्सिवनेस. अब बात करते हैं कि किस तरह हम इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव करेंगे. तो सबसे पहले भाइयों, आपने जब आपने कह लो कि आपका जब पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, देन आप उसकी अब रिस्पॉन्सिव की बात करना. अब डिपेंड करता है कि आपने अपनी वेबसाइट को कौन कौन सी डिवाइसेस पे चलाना है. मेनली तो कह लो कि एक होती है एक मोबाइल डिवाइस और एक टैबलेट डिवाइस और एक डेस्कटॉप डिवाइस, ठीक है. अभी जो ये वेबसाइट बनी है ये है जी मेरे डेस्कटॉप के हिसाब से. अगर मैं इसको किसी लैपटॉप में खोलूँगा ना, तो ये इस सेम पैटर्न पर नहीं रहेगी, यानी कि कुछ चीज़ें ओवरलैप हो जाएंगी, कुछ यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो ख़राब हो सकती हैं और कंटेंट हमारा छूट भी सकता है, और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और वर्टिकल तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं. तो इसको बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं जी रिस्पॉन्सिव बिहेवियर. अब इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं यूज़ करने लगा हूँ जी CSS की मीडिया क्वेरीज. अब आप सोचोगे अच्छा वो तो आप कर लोगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कौन सी विड्थ पे कौन सी डिवाइस लाई करती है. तो इसके लिए सबसे पहले हम दबाएंगे जो भी आपका डिज़ाइन है, वहाँ पे हमने लिखना है F12. ये लिखते साथ एक डेवलपमेंट टूल जो है ब्राउज़र की तरफ से वो हो जाएगा ऑन. अब जब ये ऑन हो जाएगा, आपने कुछ करना भी नहीं है, आपने सिर्फ ये वाला जो माउस आइकन है ना मोबाइल डिवाइस, ये इस पे यहाँ तो क्लिक कर लो, या ये लोग जो है आपको शॉर्टकट एक शो कर रहे हैं Ctrl+Shift+M, तो जैसा आपको आसान लगता है आप कर लो. तो मैं करूँगा क्लिक. तो क्लिक करते साथ ये जी हमारी वेबसाइट आ जाएगी रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के अंदर. अच्छा, अब ये चीज़ें क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले ना आप इस चीज़ को, मैं इसको यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये इसको कर रहा हूँ जी मिनिमाइज. अभी इसका काम कोई नहीं. अब ऊपर अगर नज़र मारो ना ये ब्लैक बार के अंदर, तो यहाँ पे आपको वो डिवाइसेस शो कर रहा है कि भैया ये कौन सी विड्थ है, ये कौन सी है जी, ये कौन सी है, ये वाली टैबलेट है, ये लैपटॉप है, ये लार्ज स्क्रीन्स हैं और ये 4K रेजोल्यूशन की है. अब आपको ये देखना है कि आपको अपनी वेबसाइट कहाँ पे किधर और कैसे दिखानी, बस यही है सारा जो तरीक़ेकार के किस तरह जी हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे. अब आपको एक और बात बता दूं, बाज़ लोग क्या करेंगे, बाज़ लोग ये करेंगे कि भैया कोई से भी विड्थ, एक मिसाल के तौर पे मैंने ये सिलेक्ट की, कौन सा लैपटॉप है जी, ये 1024 पिक्सल इसकी विड्थ है इस लैपटॉप की. अब उसका जो जूमिंग लेवल है ना वो कर देंगे ये 75. जब 75 करके तो ये वेबसाइट 75 के हिसाब से ये सेट करेंगे ना, देन होगा क्या, जब आप आओगे ना 100 पे, तो 100 पे ये चीज़ ख़राब हो जाएगी. फिर आप दोबारा उसको सही करोगे, तो एक कह लो कि आपको जब रिस्पॉन्सिव करना है तो उससे पहले आपको उसका जूमिंग लेवल सेट करना होगा. अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए ना, ये अभी आपको क्या लगता है कि कौन से जूमिंग लेवल पे होगी. ऑफ कोर्स 100%, क्योंकि अब यहाँ पे इसको मैं इतना करूँ तो ये कुछ वेबसाइट इतनी आ रही है, ठीक है. और अगर मैं इसको 100 कर दूँ, देन हमारी वेबसाइट सही नज़र आ रही है. तो अब हम करेंगे क्या कि हर डिवाइस को 100% जूम के हिसाब से मैं सेट करूंगा, ठीक है. ओके, तो अब स्टार्ट करें. यहाँ पे मैं करूंगा दोबारा F12, मोबाइल डिवाइस मेरा टॉगल ऑन है. और यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं ये 1440 पिक्सल के अंदर के किस तरह से हम इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव करेंगे. अब 1440 जिस भी लैपटॉप की विड्थ होगी उसके अंदर ये इस तरह शो हो गई होगा, तो जो कि अभी आपको होता हुआ नज़र आ भी रहा है. अब जब इस तरह शो हो रहा है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरीज. तो मीडिया क्वेरीज यूज़ करने के लिए हम मिलते हैं जी अब अपने VS कोड में और स्टार्ट करते हैं जी इसकी रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को कोड करना.
तो यहाँ पर भैया मैं आ चुका हूँ अपने वी एस कोड के अंदर, और ये है जी हमारी ये HTML की फाइल, ये जावा की और ये CSS की, डन है। और ये है जी हमारा इंडेक्स जिस जो अभी हमें ये शो हो रहा है, वेरी नाइस। अब इंडेक्स के लिए मैं भैया एक बाहरी मेन डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ जी, इंडेक्स यहाँ लिख रहे हैं मीडिया क्वेरी डॉट css, सिंपल। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी क्या लिखूँगा, अभी कुछ भी नहीं लिखना यहाँ पे, एक्चुअली मैं सिर्फ मैं अपनी मीडिया क्वेरीज को सेट करूँगा, इसके अंदर css का कोई काम नहीं होगा, मतलब css का काम होगा लेकिन वो उस लेवल का नहीं होगा जो अभी हमने ये स्टाइलिंग की और ये बैकग्राउंड शैकग्राउंड ये नहीं होगा, हमने सिर्फ या तो फॉन्ट छोटा करना होगा या विड्थ छोटी करनी होगी या विड्थ बड़ी करनी होगी, तो बस चीज़ों की विड्थ कम होगी, फॉन्ट छोटा होगा, बस चीज़ों की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह करते करते हमारी डिवाइसेस के हिसाब से हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ना सबसे पहला काम आपने करना क्या होता है, आपने इसके अंदर ये देखना है कि आप क्या चीज़ सही करनी है। अभी लोगो अगर आप देखो, लोगो सही आ रहा नज़र, ये भी सही आ रहा नज़र, यानी कि नैव लिंक्स और ये वाला बटन भी सही नज़र आ रहा है। अब ये वाला फॉन्ट ओके है, ये वाला भी फॉन्ट ओके है, अब ख़राब क्या हुआ है, ये वाला फॉन्ट एंड फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफर जो भी अभी हमने ये टेक्स्ट लिखा था जो कि अभी हाइड आधा हो चुके हैं, इस चीज़ को बस हमें सही सेट करना है। अब वो किस तरह करेंगे, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले अपने इंडेक्स में आओ, इंडेक्स में आने के बाद ना याद रखना है जो मीडिया क्वेरी की फाइल है ना वो आपने अपनी मेन CSS की फाइल के जस्ट नीचे यहाँ पर पेस्ट करनी है। यहाँ पर मैं लिखूँगा .// एंड मीडिया डॉट क्वेरी, यानी कि मीडिया क्वेरी डॉट CSS, यानी कि ये हमारी फाइल इसके साथ लिंक हो गई है। पहला काम हमारा सेट है, ठीक है, लोडर हमारा ओके है। और जैसे लोडर आ जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले हमें इस फॉन्ट को जब हम 1440 की विड्थ के अंदर होंगे तो इस फॉन्ट को हमने छोटा कर देना है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना एट, ठीक है, एट लिखकर आपको लिखना है जी मीडिया, और ये एमिट एब्रिविएशन आपको शो कर रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना। अब ये जो लिखा ना एट मीडिया स्क्रीन, स्क्रीन को रिमूव कर दो। अच्छा, तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ पर आपको लिखना हुआ है पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस भी लिख सकते हो। तो एक काम हो कर सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीन लिखकर एंड, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है मैक्स विड्थ विच इज इक्वल टू कितनी 1440 pixels। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब स्क्रीन, इसका मतलब है जी जब स्क्रीन की जो विड्थ है वो 1440 पिक्सल हो, देन क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। देन आपको करना है यहाँ पर आना है, किधर है जी नैव, सिर्फ यहाँ पर आके अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ देन क्या होगा, देन इस स्क्रीन पर्टिकुलर स्क्रीन साइज़ के अंदर मेरी जो नैव आ रहा वो आपको अभी उसका बैकग्राउंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी मीडिया क्वेरी एकदम परफेक्ट इजीली और आसानी से हमने बना ली और काम भी कर रही है। अच्छा, काम तो कर रही है, अब स्टार्ट करते हैं भैया चीज़ें सेट करने के, किस तरह से आप चीज़ें ये सेट होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये चुभ रहा है कि भैया ये जो फॉन्ट ख़राब हो गया ना इसको सेट करना है, तो सबसे पहले इस फॉन्ट को ढूंढ लेते हैं ये कहाँ पर फॉन्ट है। तो ये है जी हमारा फॉन्ट इधर हीरो बॉक्स के अंदर पैशन 2 आउटलाइन। तो मैं एक काम करूँगा, और काम क्या है जी, मैं जाऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाकर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि दोनों साइड में मुझे आसानी हो कॉपी पेस्ट करते वक्त। अच्छा, ये है जी हमारी मीडिया क्वेरी और ये है जी हमारा मेन सी एस एस फाइल। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है जी भैया हीरो बॉक्स के अंदर, मैं फटाफट से आता हूँ। और ये मैं कैसे आया यानी मुझे किस तरह ये पता लगा कि ये हीरो बॉक्स है, क्योंकि ये कमेंट की वजह से मुझे इजीली पता लग गया है, ये जो हमने लंबा सा एक कमेंट बना दिया ना, तो इसलिए यहाँ पे भी ऑन स्क्रॉल ये इजीली नज़र आ रहा है, तो फटाफट से हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भैया हमने जाना है
ये है ये हमारा हीरो बॉक्स पैशन टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आकर इसकी जो विड्थ है ये विड्थ ना करके इसका भी बैकग्राउंड कर रहा हूँ रेड पर्पल, तो ये है जी हमारी वो डिव जिसके अंदर वो टेक्स्ट छुप रहा है। ओके, अब आप सोचोगे कि यार भाई आप इसके बाहर क्यों नहीं लिख रहे, तो सिंपल है यार, हमें 1440 पिक्सल के अंदर ही तो सारा काम करना है ना, तो जब 1440 पिक्सल होगी तो उसके अंदर सारा काम उसके विड्थ के अकॉर्डिंगली हम करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो चीज़ की। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उस ए टैग, क्योंकि इसके अंदर ए टैग है ना ये, अगर हम एचटीएमएल में आए तो ये ए टैग के अंदर वो चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो जब ए टैग के अंदर लिखी हुई है हम सेम पैटर्न का यूज़ करेंगे। अगर आपने एक और बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, अगर आपने मेन सीएसएस के अंदर इस तरह से लिखा है, ठीक, और मीडिया क्वेरी के अंदर आप इस तरह लिख रहे हो, देन वो काम नहीं करेगा, या आप इस तरह लिख रहे हो वो काम करेगा ही नहीं, आप खपते रह जाओगे कि भैया काम क्यों नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपकी मीडिया क्वेरी की जो क्लास आपने दी है और सीएसएस की जो मेन फाइल के अंदर आपने क्लास दी है वो सेम नहीं है। तो मेक श्योर आपको वो क्लास सेम रखनी है जिस तरह ये मैंने अभी रखे। अब जब ये क्लास आ गई आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपने क्या चेंज करना है। अभी फ़िलहाल मुझे क्या चेंज करना चाहिए, यानी कि क्या चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ जी ये फ़ॉन्ट साइज़ इसका छोटा ज़्यादा हो जाए। तो सिंपल मैं करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जी फ़ॉन्ट साइज़, और अभी देखो कितना फ़ॉन्ट साइज़ है 180। अगर मैं 150 पिक्सल्स कर दूँ देन क्या होगा, फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा। जब फ़ॉन्ट छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्टेंट ईजिली सेटअप हो जाएगा। अब ये चीज़ यहाँ पर तो सेट है, ओके, और देखते हैं और क्या मुझे इस विड्थ के अंदर चाहिए। मुझे चाहिए ये जो वो, या एक काम करते हैं 150 ना करके ना 160 कर दें, देन कह सकते हैं सही लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर भैया हमारा ये कंटेंट ओके हो गया, और जब ये सारा सिस्टम सेट है तो अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा छोटा करना है ये, क्योंकि ये मुझे बड़ा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। तो ये है जी हमारा पी टैग, तो नीचे आओ, ये है जी हीरो बॉक्स के अंदर पी टैग, इसकी क्लास को सिर्फ कॉपी करो, यहाँ पर आओ, और मामूली सीएसएस जिस तरह आप लिखते हो हम लिखते हैं उस तरह यहाँ पर आपको लिखना है फ़ॉन्ट साइज और 25 पिक्सल्स कर दो, और ये मामला सेट है। और जब मामला सेट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट से यहाँ 12 ना करके आपको 15 कर देना है ताकि ये फ़ॉन्ट आगे आ सके। ये लो, यहाँ 15 ही सही था, हाँ अब सेट है। तो भैया हमारी ये चीज़ यहाँ पर ओके है, और क्या करना चाहिए मुझे, और मुझे करना चाहिए कि इस फ़ॉन्ट को भी मुझे छोटा करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये सही है, हाँ ओके। तो ये है था हमारा 1440 पिक्सल के हिसाब से ये होम पेज रिस्पॉन्सिव हो गया। अगर कोई भी लैपटॉप पे या लैपटॉप की विड्थ अगर 1440 पिक्सल होगी तो वहाँ पे ये चीज़ इस तरह शो होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा कि भैया मुझे नहीं लगता कि होगी, तो भैया 1440 पिक्सल वाला लैपटॉप जिसकी विड्थ 1440 पिक्सल हो तो वो लैपटॉप लो, उसके अंदर ये ऑन करो और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या इसके अंदर इस तरह शो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये चीज़ तो सेट है। अब दूसरी विड्थ पे आप चलें, दूसरी विड्थ क्या है जी 1024, और 1024 पे जाके और चीज़ें ख़राब हो गई। अब जब चीज़ें ख़राब हो गई तो उसको सेट भी तो करना है तो करना कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इस चीज़ यहाँ दोबारा इसको मैं कर रहा हूँ कोलैप्स, क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा एट मीडिया स्क्रीन, और स्क्रीन के बाद मैं लिखूँगा एंड, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूंगा कि भैया मैक्स विड्थ जो है ना आपको यहाँ पर कौन सी देनी है जी 1024, और यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर लिखूँगा 1024 पिक्सल्स,
और जब मैं 1024 पिक्सल्स पे होगा तो देन मुझे क्या करना है, देन मुझे करना है सिंपल इस चीज़ का पहले तो फॉन्ट साइज छोटा कर देना है। तो ये कहाँ पे लिखा है जी, ये लिखा है इंट्रो नाम की कोई डिव है, तो अगर ये मैंने ना ऊपर बनाई होगी और इंट्रो के अंदर देखना है जिसके अंदर फॉन्ट साइज, तो यानी कि फॉन्ट साइज हमने दिया होगा ना, उस डिव को या उस क्लास को भी सिलेक्ट कर लो और उसके अंदर लिख दो कि भैया जो फॉन्ट साइज तुम्हारे अंदर है ना उसको कर दो 25 पिक्सल्स, वो फॉन्ट साइज छोटा हो गया। अब दूसरी बात, इस डिव की यानी कि इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज अभी हमें छोटा करना है, तो ये आएगा पैशन वन आउट लाइन के अंदर, ये पैशन वन ही कर लो, पैशन वन ए ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज आएगा 150 पिक्सल्स। अभी आप कह रहे हो ये वाइट वाली कौन सी है, तो वाइट वाली अलहदा से डिव है एक, और वो कौन सी है जी, पैशन वन आउटलाइन ठीक है जी, तो उसको भी ढूंढ लेते हैं फटाफट से, पैशन वन आउटलाइन ये लो, इसका फॉन्ट साइज कितना जी भैया, उतना ही करना है जितना ये इसका है, जो है 150 पिक्सल। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जानी चाहिए थी। ओके तो अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हीरो बॉक्स पैशन वन आउटलाइन, उसके अंदर मैंने कहा भैया फॉन्ट साइज 150 कर दो, तो होना तो चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पर मेन CSS अंदर देखो कि क्या इधर कोई फॉन्ट साइज है, नहीं ना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि भैया किसके अंदर ये फॉन्ट साइज हमने दिया, तो हमने दिया हीरो बॉक्स पैशन वन आउटलाइन के अंदर जो ए है उसके अंदर हमने ये फॉन्ट साइज दिया, तो यहाँ पर ये वाली क्लास को लाना है और रिप्लेस कर देना है, सिंपल एज डैट, तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर वो चीज़ सेट है। अब दूसरी चीज़ कौन सी है जी हमारी, दूसरी चीज़ है जी हमारी, मैं काम करता हूँ ये जो पैशन टू वाला आउटलाइन है इसको भी, और जो पैशन टू ऊपर था ना सिंपल वाला ये वाला, इसको भी यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, करना कुछ भी नहीं है, दोनों में आपने एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है जी, फॉन्ट साइज, रुको ज़रा, अच्छा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जी, फॉन्ट साइज कितना करना है 150 पिक्सल्स, और यहाँ पर भी इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और ये सब करते साथ फॉन्ट तो छोटा हुआ कोई नहीं, अच्छा तो फॉन्ट छोटा क्यों नहीं हुआ, अगर मैं 140 कर दूँ देन कुछ होगा, 30 20, हाँ तो 20 पे इस तरह आ रहा है, तो मैं करूँगा क्या, इसको करूँगा 130 के अराउंड, और जो इसकी मेन डिव है ना हीरो बॉक्स डॉट पैशन, इसकी मैं जो विड्थ है वो मैं कर दूँगा 80%, सिंपल, और ये करते साथ कुछ इस तरह से ये चीज़ क्रिएट हो गई बहुत इजीली, और इसको मैं कर रहा हूँ 140 के अराउंड सेट है, इसको 140 किया तो आउटलाइन को भी तो 140 करना है ना, देन क्या होगा, देन फिर कोई इशू आ जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर ओके। अब करूँगा क्या, ये जो इमेज आपको नज़र आ रही होगी ये कट रही है, ये क्यों कट रही है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसको हमने दिया हुआ जी किधर है, इसको विड्थ जो है हमने दी हुई है कम, और इमेज है जी हमारी बड़ी, तो इसको मैं सबसे पहले विड्थ दे रहा हूँ कितने दूँ, 30% दे के देख लेते हैं, कम है 35 कर लें, 35 आई गेस 36 8, तो 38 पे हमारी इमेज भी पूरी आ रही है, इसको 40 कंप्लीट ही कर लें, और 40 पे इस तरह हमारी इमेज भी कंप्लीट आ जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ है जी हमारी ये वाला जो पी टैग है वो है जी कहीं नीचे पड़ा होगा, उसको ला के कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और इसको कहना क्या है, इसको कहना है सबसे पहले भैया अपना जो फॉन्ट साइज है ना वो तुम कर लो कितना 25 पिक्सल्स, जो कि ऑलरेडी था तो 22 पिक्सल्स, और जो लेफ्ट है ना तुम लेफ्ट से तुम 12% अगेन हो जाओ,
8%, 6%, सही है 8% कर लें, नहीं 7, 7 आ गया, सही रहेगा, हाँ 7 सेट है। अब रह गया है जी हमारे ये वाले बटन्स, तो आज जो नीचे पहला बटन है जी ए डिज़ाइनर वाला, इसको सिंपल है पकड़ना है और यहाँ पर क्या कहना है, इसको कहना है कि भैयो तुम्हारी जो विड्थ है ना वो 150 पिक्सल्स है और जो फॉन्ट साइज़ है ना तुम्हारा वो कितना है जी, वो है जी हमारा यहाँ पर है जी फॉन्ट साइज होना तो चाहिए था लेकिन क्यों नहीं है, नहीं है ना, तो यहाँ पे आप अगर मैं लिखता हूँ कितना 25 पिक्सल्स, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, तो 15 पिक्सल्स इतना सेट है। और आप नीचे आ जाएं और ये जो फोटोग्राफर बटन है जी जो भी हमने बनाया इसको भी सेम चीज़ अप्लाई कर देनी है, करना कुछ भी नहीं, सिंपल चीज़ें अप्लाई की और इसकी जो विड्थ है वो कर देनी है 160, 170 करते साथ। अब क्या करूँगा, इस ये जो डिज़ाइनर बटन है इसको मैं लेफ़्ट से 38% लाया हूँ, तो 30% ले लूँ, 30 और इसकी जो विड्थ है ना वो भी 160 कर दो, हाँ 160 इसकी की, और इसकी कितनी करूँ, इसकी मैं 180 अगेन कर रहा हूँ, 180 ओके, तो इसको 30 ना करके 32 कर दूँ, 33 ये होगी। और इस बटन ये जो नैव बार है ना, नैव बार किधर हो तुम, ऊपर आई गेस, इधर ये है जी नैव बार, इसके अंदर ना ये जो बटन है सबसे पहले इसकी जो विड्थ वगैरह वो चीज़ मैं कम कर रहा हूँ, वो कॉन्टैक्ट बटन ही है ना, हाँ कॉन्टैक्ट बटन ही है, तो इसको मैं सबसे ऊपर यहाँ पर पेस्ट करके इसको कह रहा हूँ कि आ, इसको कह रहा हूँ कि भैयो तुम ना अपनी जो विड्थ है ना वो तुम कर लो 140 पिक्सल्स और जो फॉन्ट साइज़ है ना तुम वो कर लो तुम 22 पिक्सल्स और नहीं 18 पिक्सल्स, 15 हाँ 15 सेट है, हाइट जो है हाइट तुम कर लो 40 पिक्सल्स, 45 होनी चाहिए आई गेस, हाँ और ये इमेज भी हमारी कट रही है तो इस इमेज को भी सेट कर लेंगे। किस तरह करेंगे जी, यहाँ पर आएंगे और ये क्लास कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर लिखना है विड्थ 15%, तो 15% करते था हमारी इमेज भी कंप्लीट यहाँ पर नज़र आ रही है, ये चीज़ें भी आ रही हैं और बकाया ये सेट है, मामला कंप्लीट। तो कौन सी विड्थ हमारी होगी 1024 लैपटॉप की। अब आएंगे टैबलेट पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह अब इस चीज़ को बनाया जाए टैबलेट पे, तो अब टैबलेट पे आएंगे कुछ चीज़ें और ख़राब होंगी, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं। अच्छा यहाँ पर अब क्या चीज़ें करनी है, यहाँ पर हमें ये करना है कि इस नैव बार को यानी कि ये यूएल ये वाला इस चीज़ को मैंने कह लो कि कैंसिल कर दूँ यानी कि ख़त्म करके इसकी जगह मैं टॉगल मेन्यू बना दूँ, तो टॉगल मेन्यू अगर बन जाए तो सही नहीं रह जाएगा, और टॉगल मेन्यू करके यहाँ पर कहीं इसको स्टोर कर लेंगे, तो मैं इन सब को अभी कह रहा हूँ कि भैया बंद बंद किया। अब आप सोचोगे कि भैया करना क्या चाह रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा इन सब को कह रहा हूँ बंद फिनिश। अच्छा तो करूँगा क्या, करूँगा ये कि यहाँ पर ना यहाँ पर ही आना चाहिए, रुको ज़रा, बेसिकली मुझे मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक आइकन लाऊँ यहाँ पर थ्री यानी कि वो जो तीन लाइनों वाला होता है
वो आइकन यहाँ पर आए और उस पर क्लिक होते था ये चीज़ परफॉर्म हो जाए, वो मैं चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं एक हमने इन फ्यूचर यानी कि पहले जब हमने ये वेबसाइट स्टार्ट की तब हमने ये फॉन्ट ऑप्शन का CDN लगाया था ना, तो वो लगा भी हुआ है। अब जब ये लग गया है तो करेंगे क्या, यहाँ पर आएंगे फॉन्ट ऑप्शन पर और ये है जी वेबसाइट इसकी। और मेक श्योर अगर आपने CDN नहीं लगाया तो लगा लेना, और किस तरह लगाना मैं वो अगर बता दूँ मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपने लिखना है सिंपल फॉन्ट और सम CDN, और ये CDN.js नाम की कोई वेबसाइट आएगी उसके अंदर से आपको क्या करना है, ये कॉपी URL करना है, कॉपी URL करना है, कॉपी लिंक टैग नहीं करना। अगर लिंक टैग कर लोगे तो फिर क्या होगा, आपको ये इस तरह सेपरेट लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने खाली किया कॉपी URL तो कॉपी URL से अगर आप यहाँ पे पेस्ट कर दो सिर्फ URL कॉपी होगा, ठीक है। और अगर आप खाली करोगे कॉपी लिंक टैग देन क्या होगा, वो पूरा का पूरा एक बना बनाया एक लिंक टैग ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या करना पसंद है, ठीक है जी। तो ये CDN लग गया और यहाँ पर आएंगे फटाफट से और यहाँ पर देखते हैं कि वो आइकन मिलता है। और फ्री पे क्लिक करना है और फ्री पे क्लिक करके तो कुछ इस तरह से ये आइकन हमें मिला है, तो जो कि अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो एक काम करता हूँ, गूगल पे जाकर फटाफट से आइकन लेकर यहाँ पर लिखते हैं जी 3 lines। हाँ ये देखा ये आइकन आए, करेंगे क्या, सिंपल है, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, फटाफट से जाएंगे फोटोशॉप पर, एंड फोटोशॉप पर जाने के बाद इसको PNG निकाल के मैं आपको दोबारा फटाफट से मिलता हूँ। हाय क्या हाल चाल है। तो मैं भाइयों लेकर आ चुका हूँ टॉगल आइकन में, अब करते हैं जी इसको टॉगल आइकन बनाने का काम। किस तरह बनेगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको एक डिव ले लेनी है और उसको क्लास दे देनी है जी टॉगल आइकन, और टॉगल आइकन के अंदर आपको या टॉगल आइकन ना करके मुझे करना चाहिए टॉगल मेन्यू, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक मेन्यू होने वाला है। टॉगल मेन्यू करते साथ करेंगे क्या हम, सिंपल एज डैट यहाँ पर एक इमेज लगा दें। सबसे पहले एक इमेज लग जाएगी, उसका पाथ होगा जी एसेट्स और कहाँ पे है टॉगल आइकन, देखते हैं कहाँ पे आई। तो इमेज तो आ गई, इमेज ये आ चुकी है। अब इस इमेज को करना है भैयो स्टाइल, तो जल्दी से जाएंगे style.css में, नेव के अंदर ही है। तो टॉगल मेन्यू इधर ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, एक div ले रहा हूँ उसका, उसकी क्लास का नाम रख रहा हूँ टॉगल आइकन, और उसके अंदर इस इमेज को वो डाल रहा हूँ। ऐसा क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आए सबसे नीचे यहाँ पर टॉगल आइकन है जी, इसकी विड्थ कर देनी है 20x20 की, ठीक है। या काम करते हैं 10x10, तो 10x10 करते साथ अगर मैं इसका बैकग्राउंड देखूं, ये है जी हमारी वो डिव जो कि यहाँ पर आई। अच्छा क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मुझे एक काम करना चाहिए कि मुझे इसके अंदर ना दे करना, ये मुझे ये यहाँ पर देना चाहिए। जब यहाँ पर आ जाएगी ये, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन कर दूँ, ठीक है जी, और इसको
परसेंट भी ना दिए कि मैं इसको करता हूँ कितना 80 पिक्सल्स ओके, और फिर इसको कहूँगे भैया तुम्हारे यानी कि तुम्हारे अंदर एक इमेज है उसको सेट कर दो वही जो हमारा डिफॉल्ट कोड है विथ 100 हाइट 100 और ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो इमेज आ जाएगी और इमेज काफ़ी ज़्यादा फिर से बड़ी है तो 50 पिक्सल्स अगेन, हाँ 50 ओके है। अब करूँगा क्या भाई, यहाँ पर ना मुझे करना होगा जी ये टॉगल मैंने लिखा है, यहाँ पर आएंगे यहाँ पर लिख देंगे टॉगल मेन्यू, विड्थ ले लेंगे ये 20% और हाइट लेगा 100%, या VH कर लो और बैकग्राउंड कर लो ये वाला, तो इसके अंदर ये डिव आ जाएगी। जब ये चीज़ आएगी तो आपको करना है पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है Z इंडेक्स 50 ओके, इसको टॉप से 0% और राइट से 0% कर देना, सेट है। अब करना पे क्या है आपको, आपको इसके अंदर अब पोजीशन एब्सोल्यूट देना ओके, इसको टॉप से 5% कर दो या 4 कर दो, 4 करना चाहिए नहीं 3 कर दो, हाँ 3 कर दें, और राइट से 5%, ठीक है जी। और यहाँ पर अब बैकग्राउंड ये ना करके ख़त्म कर दें, और अब आइकन हमारा ये है। अब एक प्रॉब्लम आ गई है कि भैया ये आइकन जो है ना ब्लैक में है, मुझे तो वाइट में चाहिए, तो मैं फटाफट से आपको वाइट के अंदर करके मिलता हूँ, ठीक है जी। तो आइकन भाई ये देख रहे हो जी वो हो गया है जी वाइट, और वाइट होते साथ ये इस तरह नज़र आ भी रहा है। अब जब ये चीज़ हमारी आपकी भी और मेरी भी बन गई है, ठीक है, अब इस चीज़ को अब वर्किंग के अंदर लाना है। कैसे लाएंगे, मैं जाऊँगा जी स्क्रिप्ट डॉट जे एस के अंदर, सेट है, और स्क्रिप्ट डॉट जे एस के अंदर जाकर मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना है कि एक प्रॉब्लम है कि इसको यहाँ से निकाल के मुझे यहाँ पर डाल देना सिर्फ अभी, और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में आऊँगा और ये जो टॉगल आइकन है ना इसका जो जी इंडेक्स है वो 52 कर दूँगा ताकि ये हमेशा सबसे ऊपर रहे। जब ये ऊपर रहेगा इसको मैं राइट से 2% कर रहा हूँ जो कि हुआ नहीं, ओप्स राइट से 3% हो 2%, हाँ 2% पे ओके। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर आऊँगा फटाफट, यहाँ पे एक मैं फंक्शन बाद में बना दूँगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बना लेना है जिसके अंदर मैं लिखूँगा टॉगल आइकन विच इज़ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर करके आपको ये टॉगल आइकन, या टॉगल आइकन नहीं टॉगल आइकन के अंदर की जो इमेज है वो करनी चाहिए, नहीं वो नहीं करनी चाहिए, खाली टॉगल आइकन, और उससे पहले मुझे इमेज का जो पॉइंटर इवेंट्स है ना वो करने हैं नन, ताकि इस इमेज पे क्लिक ना हो बल्कि किस पे क्लिक हो, इसके पीछे जो डिव है जिसके अंदर ये इमेज पड़ी है उस पे मैं क्लिक लगाने लगा। अच्छा वो डिव हमने बायो कर ली सिलेक्ट, फिर एक और वेरिएबल बना रहा हूँ वहाँ पर लिख रहा हूँ टॉगल मेन्यू, ये होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड विच इज इक्वल्स टू डॉट टॉगल मेन्यू के, दोनों चीज़ें आ गई। अब करूँगा क्या है यहाँ पर लिखूँगा टॉगल आइकन पे इवेंट लिसनर लगा दो, और कौन सा इवेंट लिसनर कि जब इस पर क्लिक हो, और जब क्लिक होगा देन एक फंक्शन चल जाएगा, और फंक्शन के अंदर तुमने क्या करना है जो टॉगल मेन्यू है ना, ये टॉगल मेन्यू अभी ना करो, अभी तुम क्या करो अभी तुम लगाओ जी सैप, और जी सैप को क्या करना है जी सैप डॉट टू,
और जब जीसेप डॉट टू हो जाए देन क्या करो, देन तुमने किस पे लगाना है, टॉगल मेन्यू पे। और इसको क्या करना है, इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। बाई डिफॉल्ट जो टॉगल मेन्यू होने वाला है वो होने वाला है जो -100, ओके। और जब -100 होगा देन क्या चीज इधर आएगी, इधर आएगी कि इधर क्या आना चाहिए, इधर आएगा जब इस पर क्लिक होगा देन ये आ जाएगा -100% 100% और ड्यूरेशन वाइज अगर 1 सेकेंड करते हैं देखते हैं काम करता है कि नहीं। और एक और काम यहाँ पर ना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ये वाला ताकि वो चीज़ शो हो। अच्छा जब मैं करूँगा क्लिक देन मेरी चीज़ वो काम कर ही नहीं रही, ओके क्यों नहीं की। अगर मैं उसको इस तरह लिख दूं देन या 200 कर देते हैं -200 देन देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा क्लिक होते साथ अगर मैं एक अलर्ट पास कर दूँ देखते हैं कि क्लिक हुआ भी है कि नहीं। हाँ क्लिक तो हो रहा है लेकिन वो चीज़ काम नहीं कर रही, ये वाला कोड काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसको 0% पे ले आऊँ देन कुछ होगा, हंड्रेड पे ले आऊँ देन कुछ होगा। अरे यार ये लोटा ने ना दिमाग खाया हुआ मेरा, नहीं तो सिंपल हम ऐसा कर लेते हैं ना, इसको कर देते हैं टॉगल मेन्यू इसके जो स्टाइल में, वहाँ से तुम इसको राइट से ना मूव कर दो 0%। तो ये सब करते साथ क्या होगा, वो डिव -100 जो गई है वो आ जाएगी वापस 0 पे, वो आ गई। तो CSS में जाकर बाद उस जो मेन्यू है ना उसको तुमने दे देनी है ये ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज, और जैसे मैं करूँगा अब रिफ्रेश तो आएगा हमारा लोडर, लोडर के बाद ये चीज़ आएगी और जैसे मैं क्लिक करूँगा ये चीज़ इस तरह खुल के आ जाएगी। और इसको मैं 1 सेकेंड कर रहा हूँ और 1 सेकेंड के बाद मैं क्या करूँगा, अब ये सिर्फ एक क्लिक के लिए बन गया। अब मुझे इसको इनफिनाइट बना दें, जब मैं क्लिक करूँ तो इस तरह क्लिक करूँ तो यानी कि पहली दफ़ा क्लिक करूँ देन जो -100 गया वो वापस 0 आ जाए, और फिर दूसरी दफ़ा करूँ तो ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए। वो कैसे करूँगा, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी काउंट विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ काउंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के, और ये मेक श्योर करना कि आपका ये सिंगल इक्वल ना हो, डबल इक्वल हो। डबल इक्वल मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंगल इक्वल नहीं होता, डबल इक्वल होता है, या डबल होता है या ट्रिपल होता है, तो डबल कर लेना। तो अगर ये 0 के इक्वल है देन क्या करना, ये कर देना, और क्या करना, और जो हम काउंट है ना उसकी वैल्यू को कर देना 1। अच्छा जब इस तरह हो जाएगा काउंट अगर 1 है देन इस चीज़ को पकड़ना, -100 वापस भेज देना, और जो काउंट है ना उसको अगेन 0 कर देना। अब ये इन्फिनाइट चलेगा आपका लूप, किस तरह चलेगा मैं ये देखना। जब ये क्लिक करूँगा इस तरह आ गया, क्लिक करूँगा चला गया, क्लिक करूँगी अब इस तरह ये आता जाता रहेगा। और ये चीज़ अगर मैं कर दूँ लीनियर देन देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है तो ये है जी हमारा हैमबर्गर मेन्यू इसको कहते हैं, और ये हमने बना लिया।
अब जब ये बन गया है ना, आपको करना क्या है, मुझे ना इशू ये आ रहा है, और इशू वो क्या चीज़ है जी, कि मुझे दो इमेजेस लगाने पड़ेंगे, एक वाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए। अब मिसाल के तौर पे अभी तो मैंने ये बैकग्राउंड दी है ना, ये मैं कर रहा हूँ ख़त्म। अब यहाँ पे तो इमेज शो नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा देन वो चीज़ आ जाएगी, और ये वाइट वाली इमेज तब शो हो जब ये हैमबर्गर मेन्यू मेरा बाहर आया, और ब्लैक वाली तब शो हो जब ये चीज़ इस तरह है। तो ये चीज़ मैं कैसे करूँगा, तो ये चीज़ करने के लिए ना मैं आपको बताऊँ क्या करूँगा। सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे ना जाना पड़ेगा फोटोशॉप में दोबारा, हो जाओ भाई प्लीज़। और फोटोशॉप पे जाने के बाद ये है जी मेरी एक वाइट वाली इमेज, और एक मुझे चाहिए ब्लैक वाली। तो सिंपली यहाँ पर एक न्यू लेयर लेकर मैं कर रहा हूँ ब्लैक फिल, और उसके अंदर कर रहा हूँ ब्लैक ये, और इधर से सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर PNG, और यहाँ पर टॉगल आइकन वाइट स्क्रीन, इस तरह कुछ नाम दिया। यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट स्लैश ओप्स टॉगल आइकन वाइट स्क्रीन, और ये करते साथ मुझे यहाँ पे तो वो शो हो जाएगा, यहाँ पर वो शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आएंगे हम, और ये वाली जो इमेज है ना, यानी कि ये जो टॉगल आइकन है पूरा पूरा, हाँ। और एक और चीज़, इस चीज़ को अभी कर रहा हूँ ख़त्म, यानी कि ख़त्म नहीं, कमेंट कर रहा हूँ। और कमेंट करने के बाद यहाँ पर ना यार, एक ना ये लोडर ने मेरा दिमाग खाया है, एक ये इमेज आ गई, इस पे जब क्लिक होगा तो वो जो टॉगल मेन्यू -100 गया वो आ जाएगा 0 पर, और जब वो 0 पर आ जाएगा कुछ इतना, देन क्या करूँगा मैं, देन ये जो जी इंडेक्स मैंने लगाया ना, इसको कर दूंगा ख़त्म, ठीक है। और इसके ये सिर्फ अकेला ही ऊपर है, और यहाँ पर मैं एक और मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ करने लगा हूँ, वो है जी ये टॉगल मेन्यू ब्लैक। और ये टॉगल मेन्यू ब्लैक क्या करेगा, यहाँ पर फटाफट से इसको बना भी लेता हूँ, ये करेगा कुछ भी नहीं, सिंपल वही चीज़ें होल्ड करेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो इमेज है, इमेज वो चीज़ भी सेम ये करेगा, ठीक है। अब बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर जो इमेज है ना वो हो गई हमारी दूसरी वाली, तो टॉगल आइकन ये वाली। तो इससे क्या होगा, दो इमेजेस पे मैं आप काम कर लूँगा, एक ये वाली डिव है और एक इससे पीछे है वो है जी ब्लैक वाली। अच्छा, अब करूँगा क्या, यहाँ पर मुझे एक लगा दिया मैंने टोकन आइकन, और वो कौन सा था, वाइट वाला। तो मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे देखूँगा टोकन आइकन वाइट, ठीक है, और टोकन आइकन ब्लैक, और ये जो ब्लैक वाला है ना, इसकी क्लास क्या थी हमारी, ये वाली पेस की, और ये जो टोगल आइकन मेन था वो तो है ही था। अब हमारा काम चेंज है, काम के चेंज है मैं आपको बता देता हूँ। काम सिर्फ ये है कि ये जो टोगल मेन्यू है ना, इसको आपने कर देना -100, और जावास्क्रिप्ट में फटाफट से आना है आपको, टोगल आइकन वाइट वाला जो है ना उस पर लगाना ऐड इवेंट, और यहाँ पर आप लिख देना क्लिक, और फंक्शन, और फंक्शन के बाद आपको लिख देना है क्या, फंक्शन के अंदर आपको लिखना है जी भैया मेरा जो टॉगल मेन्यू है ना उसके तुम जाओ स्टाइल में, फिर उसके अंदर राइट प्रॉपर्टी होगी, उसको तुम ले आओ 0% पे। अच्छा, तो ये भाई की साहब क्या करेगा, अब टॉगल आइकन वाइट कौन सा है, ये वाला।
अब भाई जब इस पे मैं करूँगा क्लिक, देन वो सिर्फ लेकर आ जाएगा 0% पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको कहूँगा कि भैया देखो टॉगल आइकन ब्लैक जो है ना उस पर भी ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दो। कौन सा लगाना है, क्लिक और अगेन फंक्शन, और ये मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में कि हो कह रहा है। अब ब्लैक पे जब क्लिक होगा देन क्या करेगा, ये जाएगा वापस स्टाइल के अंदर, उसकी राइट प्रॉपर्टी को पकड़ेगा और अगेन उसको कर देगा -100%। तो हमारा भैया काम सेट है। काम क्या सेट है जी, ये देख लेना भी, ये आ गई इमेज। अब यहाँ पे करूँगा क्लिक, इमेज आ गई, और यहाँ पे करूँगा क्लिक तो इमेज जानी चाहिए थी और वो नहीं गई। अच्छा, और वो क्यों नहीं गई, जानी तो चाहिए थी। तो एक काम करते हैं, इसका जो सी इंडेक्स है वो 52 करते हैं, ये ब्लैक वाला है। देन अगर मैं बैकग्राउंड एक्वा कर दूं, अच्छा हाँ, इशू पता क्या इशू आ रहा है कि भैया हमने यहाँ पे लगाया डॉट नहीं लगाया, तो यहाँ पे डॉट लगाने के बाद हमारा काम फिर सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको अभी के लिए फिनिश, टाटा बाय बाय, जे इंडेक्स टाटा बाय बाय, और बकाया काम हमारा सेट है। मुबारक हो, हमारा टॉगल मेन्यू भी बन चुका है, सेट है। तो ये चीज़ बन गई, अब बस इसको हमने शो करवाना है। कब करवाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर ना सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो वाइट वाली इमेज है ना, जो टॉगल आइकन है, इसको ऑप्शन ऑफ 4% करो या 3.5, हाँ, और 3.5 करते साथ ये इमेज इस तरह आ जाएगी। ब्लैक वाली को जो है ना आपने राइट से 3% कर देना या 5% कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी मामला कंप्लीट है, ठीक है। अब रहता है जी भैया इसके अंदर नैव लिंक्स भी तो बनाने हैं ना, और वो नैव लिंक्स किस तरह बनेंगे, सिंपल एज डैट। टॉगल मेन्यू के अंदर आपको एक डिव ले लेनी है या यूआरएल ले लेना है, जो मर्जी ले लो, मैं अभी के लिए यूआरएल ले रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर li कितने, 3, और उनके अंदर 8 है, और कंट्रोल प्लस ओल्ड के साथ डाउन एरो दबाऊंगा तो मल्टीपल कर्सर मैं कीबोर्ड के थ्रू ही बना सकता हूँ। तो यहाँ पे किया हैश, और हैश करते साथ यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर कर रहा हूँ, और जैसे किया तो इस भाई साहब को ज़रा चलने दो। तो जैसे ये चल जाएगा तो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर ये है जी हमारे लिंक्स। अब है जी हमारा मेन काम, और ट्रे भी थोड़ा सा गया है, टॉगल मेन्यू, और टॉगल मेन्यू के अंदर है जी भैया हमारा अब यूएल। यूएल का सबसे पहला काम होता है जी कि जो उसका लिस्ट स्टाइल होता है उसको हमने करना होता है नन। फिर दूसरा काम होता है कि हमने यूएल के अंदर li के अंदर जाना होता है, ठीक है। और li को जाके हमने मार्जिन दे देना है सिर्फ टॉप बॉटम का, कितना, 20 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स, इतना सेट है, हाँ सेट है। 30 कर लें, ओके। अब क्या करना है, फिर तीसरा काम आपको होता है कि आपने li के अंदर के a को a के पास जाना है, उसको कहना है टेक्स्ट डेकोरेशन भैया अपना जो तुमने नीचे लाइन लगाई हुई ना उसको कर दो ख़त्म। उसने कहा अच्छा कर दिया, फिर वो मैं उसको कहूँगा भैया अपना कलर तो चेंज कर लो। उसने कहा अच्छा, अब फिर मैं उसको कहूँगा कि भाई तुमने ना जो फ़ॉन्ट तुमने लगाया हुआ ना वो तुम चेंज करो, मुझे नहीं तुम्हारा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा। वो कहेगा क्या रखना फ़ॉन्ट, भैया तुम ये फ़ॉन्ट रखो। अच्छा, अब सिर्फ करूँगा क्या, अब देखो इन सब का पेरेंट कौन है, ये यू एल टैग, तो
तो इस यूएल टैग को मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट देके ना राइट से मैं करूँगा उतना ही जितना मैंने ये टोगल आइकन ब्लैक वाला दिया हुआ है, राइट से 5। उसने कहा ठीक है। अब मैं उसको क्या कहूँगा, उसको कहूँगा भैया जो टेक्स्ट अलाइन है ना वो तुमने करनी है राइट की। अब मेरा टेक्स्ट जो अलाइन लेफ्ट हुआ था वो हो जाएगा राइट पे। अब मैं उसको क्या कहूँगा, उसको कहूँगा कि भैया तुम ना टॉप से 20% नीचे आ जाओ, 20%। हाँ फ़ॉन्ट साइज 8 टैग का मुझे बढ़ा देना चाहिए 32 पिक्सल्स तक, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं सही लग रहा है। और जो ये है नहीं मार्जिन, इसको करते हैं जी 50, और 50 करते साथ मैं क्या करूँगा, अब यू एल को टॉप से ना 15 कर रहा हूँ या 10 कर रहा हूँ, सेट है। 10 किया तो कुछ इस तरह से मेरी ये चीज़ें आ गई। फिर ये जो ए है ना, इनके अंदर जो ए है उस पर जब होवर हो देन कलर चेंज होना चाहिए। कलर कौन से चेंज होना चाहिए, कलर 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 भैयो, कलर एक ऑरेंज टाइप का है, ऑरेंज ये कर लेते हैं। हाँ देखा ये फील आई अभी, और ज़रा स्मूथ करने के लिए इसको थोड़ी सी डिले दे देते हैं, देन ये चीज़ हाँ बहुत हैवी। तो ये चीज़ हमारी क्रिएट हो गई और ये भी काम कर रही है। अब बस करना कुछ भी नहीं, आपने आपने क्या करना है, मेन पे हमें ये डिव टॉगल आइकन टॉगल मेन्यू, अभी के लिए जो टॉगल आइकन है उसको कर देना डिस्प्ले नन, ताकि ये नज़र ही ना आए, है ही नहीं, क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं है। ठीक है अब करूँगा क्या, जाएंगे अपने F12 का बटन दबाया मोबाइल यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे ये जो नया पेन ये UL आ रहा ना, इसको बस पहले ख़त्म करना है। तो अब CSS यानी कि इनका काम कंप्लीट हो गया है, आओ मीडिया की तरफ, और मीडिया में आने के बाद इसको क्लैप्स करो, इसको क्लैप्स करो। अब है जी हमारा काम टैबलेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टैबलेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं एक और मीडिया क्वेरी लिख रहा हूँ, एट मीडिया स्क्रीन, स्क्रीन के बाद क्या लिखना है, एंड फिर पैरेंथेसिस, फिर मैक्स विड्थ, और कितनी देनी है जी देख लेते हैं जी, 768 पिक्सल्स। देन क्या करना है, देन सिंपली आपको क्या करना है, आपने जाना है भैयो नेव, ओके, और नेव के अंदर यूएल है आई गेस, कोई मसला ना हो क्योंकि दो यूएल हैं अभी नेव के अंदर, नहीं नेव के अंदर नहीं है, हाँ तो नेव के अंदर जो यूएल है उसका डिस्प्ले आपने कर देना है नन, चीज़ हमारी सेट। जब ये चीज़ सेट हो जाए आपको नेव लोगो को लेना है, नेव लोगो की जो विड्थ है ना उसको कर देना है 15%, 18, 20, 22, ओके। और एक और मज़े की बात है जी, और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि जो नेव के अंदर मैंने पैडिंग दी है ना वो ज़रा कम कर दो भाई, कितनी करनी है 0, और लेफ्ट राइट मैंने दी थी 100 पिक्सल्स, तो उसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। आप सही है, सही तो है, 70 कर दें, हाँ 70, यहाँ से 70 आ जाएगी, और लेफ्ट से मैं कर रहा हूँ कितनी 50 पिक्सल्स या 20, अब सेट है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये इस तरह इनका क्या मतलब है, तो कभी घड़ी देखी, घड़ी क्लॉक, ठीक है, उस घड़ी के अंदर क्या होता है कि 12 से टाइम स्टार्ट होता है, 12 1 2 3 4 5 6 इस तरह जाता है, तो इसके अंदर भी वही चीज़ है। ये है जी
0 यानी कि पहली वैल्यू है टॉप, ये दूसरी वैल्यू है जी राइट, तीसरी वैल्यू है जी बॉटम और चौथी वैल्यू है जी लेफ्ट। तो ये पूरी एक घड़ी नुमा शक्ल बन गई, 12 से लेकर वापस 12 तक टाइम है ये, कि ये जो टॉप है जी ये यानी कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो इस तरह मैंने ये सेट की और ये मेरा काम हो गया। अब जो याद है अभी हमने जो क्या नाम है ये जो टॉगल आइकन का डिस्प्ले ख़त्म किया था, इसको वापस ले आओ भैया। क्या लाना है इसको, कहना है डिस्प्ले आप कर लो, क्या कर लो फ्लैक्स कर लो या ब्लॉक कर लो। आगे वेरी नाइस, ये बैकग्राउंड क्यों आया, अब नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये आगे जी वो क्या नाम है अभी हमारा आइकन, जो कि आइकन बहुत बड़ा माशाल्लाह। तो विड्थ यहीं पे डायरेक्टली मैं इसकी छोटी कर रहा हूँ और 45 कर दूँ, अगर कितनी होगी, हाँ टॉप से मैं कर रहा हूँ जी इसको 4%, 4.5 ओके है। अब मैं जब इस पर करूँगा क्लिक, वो डिव आ जाएगी। जब वो डिव आएगी तो आपको क्या करना है, आपको ये डिव की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर दो 30-40 सेट है, और इस पर क्लिक हुआ तो ये चीज़ हमारा हैमबर्गर मेन्यू क्रिएट हो गया। अब जब ये क्रिएट हो जाए ना, आपको पता क्या करना है, आपको अब इसका फॉन्ट साइज छोटा करना है। इसका हीरो बॉक्स में आओ, पैशन वन नहीं, उसके अंदर का जो ए है, कंप्लीट क्लास कॉपी की, यहाँ पे से जो फॉन्ट साइज आपको करना कितना है 130 सेट है, और जो पैशन वन का आउटलाइन है किधर हो ये है, इसको भी सेम फॉन्ट साइज देना होगा ये वाला, और हमारा काम यहाँ पे सेट है। सेम पैटर्न के अंदर आपको पैशन टू के लिए भी काम करना पड़ेगा, और ये है जी हीरो बॉक्स पैशन, अरे भाई तुम बांध दो जो पैशन टू, और इसको करना पड़ेगा 100 pixels या 110 100 ही करना पड़ेगा। बट क्या चीज़ रहती है जी यहाँ पर ना, मुझको ये खाली पैशन टू है ना, इसकी विड्थ को बढ़ा देना चाहिए, 90% कर देना चाहिए। और जब मैं 90% करूँगा देन क्या करूँगा होगा, यहाँ पर सिंपली ये कर दे साथ, अगर मैं इसका बैकग्राउंड देखूँ ना रेड, और अब मैं फॉन्ट साइज इसका 120 कर दूँ, वो 115, और इसका बैकग्राउंड ख़त्म, ठीक है। और ये जो पैशन टू का एक आउटलाइन है उसका भी फॉन्ट साइज सेम एज डैट कर देना है। और एक और बात, जो हाइट है ना इसकी हाइट वो कितनी करूँ, ऊपर आइए और 25% कर दें, 22%, हाँ 22 ओके है। अब क्या रहता है जी, अब रहता है जी इस इमेज को छोटा करना है, बड़ा इसकी विड्थ को नहीं बढ़ाना, इस इमेज को छोटा कर देना है। तो इमेज को छोटा करना चाहिए, हाँ इमेज को एक काम करते हैं,
हाइट वाइज इसको आप कम करेंगे 70% कर दो या 68 सही देगा, हाँ 68 सही देगा। और थोड़ी सी जो इसकी विड्थ रहती है ना, विड्थ को तुम कर दो 25%, ओह बहुत ज़्यादा कम हो गई, 30% करना था, 42, 5, हाँ ये किया। तो ये जो टेक्स्ट है इसको भी सही करना पड़ेगा। तो आ जाओ नीचे 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 भैया, यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉटम से इसको उठाना पड़ेगा, कितना 25% कर दूँ। और फॉन्ट साइज इसका कम करना पड़ेगा, कितना कर दूँ 18 पिक्सल्स कर दूँ। तो 18 पिक्सल्स तक ये काम सेट है। बॉटम से इसको 28 करना पड़ेगा या 26, और लेफ्ट से मुझे करना पड़ेगा 10% नहीं 5, 8, अरे क्या हो रहा है 3 कर देते हैं, 3 भी ये हो जाएगी। और एक काम करते हैं, इसकी जो हीरो बॉक्स की इमेज है ना, इसको कर रहा हूँ 65% हाइट पे, और ये कर रहा हूँ 45 ना करके 42 की, हाँ 40। और ये फोन साइज है इसका थोड़ा सा छोटा और कर दें, अगर 18 है ना तो 16 कर देते हैं, हाँ अब सही है। और 28 सेट है, और ये मामला हमारा कंप्लीट हो गया। जब ये चीज़ हो जाए देन हमारा काम आ जाएगा डिज़ाइनिंग बटन की तरफ। और डिज़ाइनिंग बटन में सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ लेफ्ट वैल्यू के साथ खेलना है, और खेलते खेलते आपका काम कंप्लीट। 25 कर दें अगर 22, 28 ठीक है, हाइट ना हीरो बॉक्स की मुझे कम लग रही है, 70 कर रहा हूँ इसको या 75 ठीक है। और इसके अंदर जो इमेज है ना, उसके अंदर जो इमेज है उसका जो ऑब्जेक्ट फिट है वो कर रहा हूँ कंटेन, फिर मेरी इमेज सेट आ जाएगी, लेकिन वो भी नहीं आई। कवर ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा तो ये चीज़ आ गई, देन करूँगा क्या, यहाँ पर होना क्या है, ये भी सही है यार, कम कर लें अगर 72 कर लो, हाँ 72। और ये जो डिज़ाइनर बटन है इसको कितना बॉटम से 5 किया ना, तो 8 कर लो। और नीचे आओ नीचे आओ, इस बटन को भी सेम इफेक्ट दे दो। और ये है जी हमारा टैबलेट व्यू, एक एम्बर का मेन्यू भी आ रहा है, बकाया चीज़ें
सेट भी हो रही हैं। ये क्या हुआ भाइयों? हाँ पता है ये क्या चीज़ आई है, ये आई है कि हमने ये चीज़ कि हमने पैशन टू ए की जो मेन लीफ थी ना उसको तो वो हाइट वेट दे दी, लेकिन आउटलाइन का तो नहीं ना थी। ये तो लाइन साफी है भैया, ब्रो ये लाइन साफी है, हमें नहीं पता, हमें ऐसे ही करके दो फिर हमारा काम सेट हो जाएगा। अच्छा तो इस तरह किया तो ये चीज़ कंप्लीट हमारी बन गई। इस पर क्लिक हो रहा है और बकाया चीज़ें काम कर रहे हैं। अच्छा और एक और बात करनी है, वो क्या चीज़ है जी के ना, ये जो हमने कर्सर बनाया, वेयर इज कर्सर, कर्सर को ढूंढो फटाफट। ये है जी कर्सर, कर्सर की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि टैबलेट है तो मोबाइल टैप होना है, तो मोबाइल टैप पे ये एक्सपीरियंस मजे का नहीं लग रहा। तो इसको फटाफट से डिस्प्ले, अरे आ जाओ भाई डिस्प्ले नन कर दूँ। अब क्या होगा, सिर्फ क्लिक पे ये कलर चेंज होगा क्योंकि अब हमने इस चीज़ का भी तो ख्याल रखना है ना। जब इस चीज़ का ख्याल हम रखेंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा हमारा इसको बनाने का भाई। 70 68। और ना एक और मुझे ना मस आ रहा है, और वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है जी भाइयों कि इस चीज़ को ना टॉप से मुझे नीचे कर देना है यहाँ पर ना, तो उसे मुझे 18 कर देना है। हाँ अब सही, ठीक है, और 18 की है तो मेरा मामला यहाँ पर सेट है, टैबलेट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट। अब है आएगा मेन काम, मोबाइल डिवाइस मीडियम और स्मॉल। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, अगर मैं इसका भी अभी करने लगूँगी तो वीडियो लेंथी, काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस पे आपने बात करनी है क्योंकि मेन काम था इसका हैमबर्गर मेन्यू बनाना है, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं कि हैमबर्गर मेन्यू उनसे नहीं बन पाता, तो मैंने इसलिए टैबलेट पे वो पहले ही हैमबर्गर मेन्यू बनाना सिखा दिया। तो आई होप आपको ये समझ लग गई होगी किस तरह से हमने हैमबर्गर मेन्यू तो बनाना है। अच्छा तो टैबलेट तक हमारा काम सेट है, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने मोबाइल डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है, क्योंकि आपने काम तो समझ लिया कि किस तरह से मीडिया क्वेरी लगाकर हम ये रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, और मैंने अभी आपको करके दिखाई भी। ये है जी हमारा लार्ज डेस्कटॉप, ये स्मॉल, ठीक है, और ये लार्ज, ये स्मॉल, और ये टैबलेट, टैबलेट तक हमारा काम हो गया। और अगर आपसे अगर मोबाइल तक रिस्पॉन्सिव ना हुई तो कोई इसके अंदर कह लो कि शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं कि आपसे नहीं हुई, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं हुई कमेंट कर देना तो मैं आपको बना के दिखा दूँगा, ठीक है। और अभी के लिए तो ये आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमने करनी है ना। अगर एक दफ़ा फेल होंगे, दो दफ़ा होंगे, तीसरी दफ़ा फिर आपको कामयाबी मिल ही जाएगी, और ये ऐसा होता है रियली। अगर आप इस काम के साथ पैशनेट हो देन आप ये काम इजीली कर सकते हो कि किस तरह हम ये चीज़ें कह लो बनाएंगे, ठीक है। तो इतने थे इस वीडियो के अंदर, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो टेंशन ना लेना, बस कमेंट कर देना कि भैया हमने ये रिस्पॉन्सिव कट तो ली है मोबाइल पे, अगर नहीं हुई तो मैं एक और बना दूंगा, अगर हो गई तो वेल एंड गुड, बहुत कूल। और अब मैं इसका सोर्स कोड, जो कि आप सभी को इंतज़ार था कि भैया इसका सोर्स कोड हमें बस प्रोवाइड कर दो, सोर्स कोड मैं इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा। पूछो क्यों, पूछो वो इस वजह क्योंकि ये अभी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव मैंने अभी नहीं की, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस पे तो ये रिस्पॉन्सिव है नहीं। ये अब आप मुझे करके दोगे, और जब ये आपका काम मैं देखूँगा और आपका इसके अंदर कोड इंजेक्ट कर लूँगा
जब कोड इंजेक्ट होगा और फिर इजीली फटाफट से हमारा काम इजीली सेटअप हो जाएगा। तो आपका अब काम क्या है, आपका काम है कि आपने ये रिस्पॉन्सिव करके सोर्स कोड, आपको टेंशन नहीं लेनी, सोर्स कोड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वो कितना होगा, जितना भी इस वीडियो के अंदर हमने बना लिया इतना भी आपको मीडियो पेरी लग के सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपने वो कोड को आपने यानी गिट हब से वो कोड को करना है क्लोन, और क्लोन करते साथ आपने ये तीन डिवाइसेस के लिए अकॉर्डिंगली इस होम पेज को तो डिज़ाइन करने ही करना है। और जब आप कर लो देन आप मुझे कमेंट करो कि भैया हमने ये कोड आपका चेंज किया है अपनी तरफ से, ठीक है, और फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपका कोड इंजेक्ट करूंगा अपने इस एक्चुअल जो मेरे पास अभी सिस्टम के अंदर मेरा कोड पड़ा है इसके अंदर इंजेक्ट करके, तो आपका और मेरा कोड मिलजुल के कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम मिलजुल कर, आधी ना कर लूँगा आधी आप कर लेना। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी मेरी भी हो जाएगी और कम्प्लीटली हम अपनी वेबसाइट को पोर्टफोलियो को फाइनल बना पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जी भैया आपके कमेंट के बाद और एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर। अब डिपेंड करता है, वो डेडिकेटेड वीडियो तभी आएगी जब आप कमेंट करोगे, तो कमेंट कर लो और ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और यूँ समझो कि आपको असाइनमेंट मिली है तो आपने करनी करनी है, ठीक है। तो आई होप आप असाइनमेंट करोगे भी और मुझे बताओगे भी कमेंट के अंदर, तो लाजमी बताना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक बहुत ही एडवांस टाइप का समझ लो एक पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। और इसके अंदर आप अपने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे जब जो मैंने लिखा हुआ ना वेब डिज़ाइनर एंड फोटोग्राफर, अब यहाँ पर वो टाइटल भी चेंज कर सकते हो, पिक्चर चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है कि आपको ये चीज़ बनी बनाई मिल जाए और हल्की बुल्की एडिटिंग करके आप अपनी वेबसाइट बन जाए ईजिली, और ईजिली होस्टिंग डोमेन खरीद के और वहाँ पे सेट कर दें। तो अब भैया बातें बहुत होगी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डिपेंडिंग ऑन योर कमेंट, अगर आपके कमेंट आए कि भैया हमने कर लिया है और देख लो तो फिर आपकी वीडियो मैं वो कर लूँगा, अगर कमेंट ना आए तो फिर इसका सलूशन ये होगा कि रिस्पॉन्सिव तो मुझे करना पड़ेगा, खुद ही फिर करना पड़ेगा। तो थोड़ा अपने भाई का भी ज़रा साथ दे दो ना, तो थोड़ा बहुत साथ दो, मिलजुल कर काम ही होगा। तो मिलते हैं भैया आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, गुड नाइट।